आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी गर्भवती पत्नी के पेट में बेटा है या बेटी? आप जानते नहीं कि ये पता लगाना कानूनी अपराध है? हमारे हॉस्पिटल में ये गैर कानूनी काम नहीं होते, और अगर हमने शिकायत कर दी तो जेल जाएंगे आप। चपड़ चपड़ चपड़, कानों से खून निकाल दिया हमारे। माइंड ना करिएगा, गैर कानूनी काम को कानूनी कैसे बनाया जाता है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बस अब ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके मन में लालच है और नियत में खोट हो, तो फिर हमारा काम यूं हो जाएगा। दीपक, जब तक ये नहीं पता लगे कि लड़का ही है, तब तक ये बात किसी के कानों तक रेंगनी भी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं? माइंड ना करिएगा, समझ गए। सुनो। जी बड़ी अम्मा। हम वो लीला ज्वेलर्स को मात देने की योजना बना ली है। बहुत बढ़िया। हर साल की तरह से इस बार भी लखनऊ में फैशन शो हो रहा है। सुने कि देश के कोने कोने से बड़े बड़े डिजाइनर आ रहे हैं। तुम जाके सबका पता लगाओ है, और अपने यहाँ से बेहतरीन जेवर के डिजाइन उनके पास भेजो। जी देखो, सब डिजाइनरों का ऑर्डर हमारे पास आना चाहिए। उस फैशन शो में सिर्फ हमारे जेवरों की चर्चा होनी चाहिए। फिर वो लीला ज्वेलर्स तो क्या, कोई भी हमारे सामने पैर नहीं टिका पाएगा। आपका हुक्म सराकों पर पड़ेगा। कलेक्शंस इतना अच्छा लग रहा है, आई एम सो एक्साइटेड। यश, डिजाइन्स तुम्हारे हैं। आई नो, पर एक एक आउटफिट आपने इतना मेहनत से बनवाया है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सी, देयर आर सम मोर डिजाइन्स। अच्छी नहीं लगी? सोनिया, चलो पढ़ाई करते हैं। अरे अरे मामू। अरे सोनिया, वेदिका आंटी ने ये डिजाइन्स को रिजेक्ट कर दिया है। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सोनिया चलो पढ़ाई कर। अरे बस एक मिनट। और पता है मामू, वेदिका आंटी एक डिजाइनर है। सोनिया, वो अपनी साड़ी खुद ही डिजाइन करती है और बेचती भी है। आपके कपड़े तो ऐसे टाइप के लोग ही खरीदते होंगे ना अंकल? I'm so sorry. चलो ना सोमिया, पढ़ाई करते हैं। क्या खराबी है इस ज्वेलरी में? नहीं नहीं, ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है। क्या गलत है ये पूछा है मैंने? जिस तरह के कपड़े हैं उसके लिए शायद ज्वेलरी थोड़ी लाइट होनी चाहिए। मतलब ये ज्वेलरी अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पर शायद ये इन कपड़ों पे हावी हो जाएगी। तब इन जैसे कपड़ों के लिए इतनी हैवी कुंदन वाली ज्वेलरी से बेटर है कि गोल्ड की लाइट ज्वेलरी। आई एम सॉरी,
मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, कोई देख ले, थोड़ी कोई देख ले। तड़प के तुमसे मिलने के लिए, वो तो हमें लखनऊ जाना पड़ा, कुछ काम था। अब हम यहीं पर हैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास। अरे ठीक है, आप छोड़िए हमें। उस दिन आपसे बात करते हुए माँ ने मुझे पकड़ ही लिया था फोन पे, और ऐसे देखेगी तो मेरी तो शामत आ जाएगी। वैसे भी आजकल माँ बहुत परेशान है, बड़ी अम्मा ने उनको इतना डांटा है बेचारी। आप बड़ी अम्मा से क्यों नहीं बात? परिवार की समस्याओं के लिए हमारे पास बहुत समय है, पहले हमारी समस्या तो हल हो जाए। ये समस्या भी आप ही को सॉल्व करनी होगी ना। जब सही समय आएगा, जो हमें करना है कर देंगे। और सही समय कब आएगा? आप कहते हैं कि आप अपनी शादी से खुश नहीं, पर आप प्राची दीदी को छोड़ते नहीं। अब या तो प्राची दीदी को छोड़ दीजिए और मैं हमेशा के लिए आपकी हूँ, या मुझे भूल जाइए। श्रुति, माँ आई। तुम हमारे लिए सिर्फ एक आवास की गुड़िया हो, तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दें, बड़ी अम्मा की निगाहों से गिर जाए। मामू मामू मेरी बात समझिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप आंटी पे गुस्सा मत करो। काम करेंगी मेरे लिए? मैं जानता हूँ कि आप क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जो आपने देखा वो हम दोनों नहीं देख पाए। स्टाइल और डिजाइन का सेंस और मिडिल क्लास कस्टमर की समझ है आपको, जो मुझे इस प्रोजेक्ट में चाहिए। ये एक ट्रेडिशनल फैमिली के घर की शादी का प्रोजेक्ट है, आप इसमें कंसल्टेंट होंगी और कल से काम शुरू कर दीजिएगा। मैं जब फैसला लेता हूं तो टाइम बर्बाद नहीं करता। जानता हूं कि आपको नौकरी की जरूरत है और मुझे एक कंसल्टेंट की, ऐसे बहुत अच्छे होंगे, और साथ में आप सौम्या को भी पढ़ाएंगे। आप सीरियसली कह रहे हैं? काम में मैं मजाक नहीं करता। हाँ या ना सोच लीजिए, एक घंटे में बता दीजिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। वेलकम टू द टीम। ये आपके लिए। हमारे लिए? अरे वाह। मम्मा मेरे लिए? इतनी सुंदर साड़ी, अरे वाह। अरे देख तो आर्या जच रही है ना हम पर। अच्छी है ना साड़ी आर्या? 25,000 की नौकरी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लगता है भगवान का दिल भी पसीज किया हमारा कष्ट देखकर, इसीलिए हम पर आशीर्वाद अपना बरसा दिया उसने। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ आर्या? मेरे लिए कुछ लिया ही नहीं? अरे मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ लेना है। ये किसके लिए? डांसिंग शूज। एक हमारी साड़ी के साथ एकदम जज रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं माँ। वैसे अपने लिए क्या लिया है आपने? कुछ नहीं ना। एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। हा,
आओ जल्दी, अरे आओ ना, बैठो 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 बैठो। Congratulations, बीबी जी। Thank you. I love you, Sasa Mom. मामा केक काटो। इसकी क्या जरूरत है? अरे मामा चलो ना, जल्दी चलिए। नहीं सासू माँ, हैप्पी बर्थडे नहीं, कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने उन्हें ज्वेलरी की जो सजेशन दी, उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो मुझे नौकरी दे देंगे। अरे वेदिका जी, इसमें सरप्राइज देने वाली क्या बात है? अब हो ही इतनी टैलेंटेड, जिस चीज को आप छू लेती है ना, वो निखर के बाहर आता है। जरा सोचिए, अगर आप अग्रवाल ज्वेलर्स के साथ काम कर रही होती तो बड़ी अम्मा मेरा रिश्ता आपके हाथ में दे देती। कुछ भी बोल रहे हो सर। अरे क्यों, सपने देखने में क्या हर्ज है? लेकिन अभी आप किसी दूसरी ज्वेलरी वाले के साथ काम करने वाली हैं, तो आप बड़ी अम्मा के दुश्मन कैंप में। सॉरी, बड़ी अम्मा, हम तो कोई भी कसर नहीं छोड़े, फिर पता नहीं कैसे मिल गया उन्हें कौन। चुप करो, अपने फूहड़पन से हमारा खून मत जला। बस तुम ये पता करो कि वो लीला ज्वेलर्स का मालिक कौन है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों कैसे चला गया। जी हम पता करते हैं। बड़ी अम्मा, हमारे रहते हुए आपको क्षण भर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कानपुर से सारी पूछताछ करवा ली है, अलबत्ता मालिक का तो नहीं पता चला है क्योंकि ये लोग अपना चेहरा सामने आने नहीं देते हैं, परंतु हमने सारे जरूरी जो नंबर से इनके निकाल लिए हैं। ये बहुत अच्छा किए हो दामाद जी, वरना इन निकम्मों को जिम्मेदारी देकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं हम। अब खड़े कहो, नंबर लो और फोन लगाओ। जी, लगाते। नौकरी का पहला दिन है आज, बस सब ठीक से हो जाए। फोन बज रहा है, अब तो पता चल ही जाएगा कि कौन है लीला ज्वेलर का मालिक।
हेलो, जी बोलिए। जी मैं यहाँ। मैम आपको सर बुला रहे हैं उस तरफ। थैंक यू। हेलो, दिस इज लीला ज्वेलर्स, हाउ मे आई हेल्प यू? देखिए, अभी जिसने फोन उठाया था उसका नाम क्या है? आपको किससे बात करती है? बिमला अग्रवाल नाम है हमारा। सवाल सुनाई नहीं दिया क्या? अभी जिसने फोन उठाया था उसका नाम क्या है? मैम आप नाम छोड़िए, आप काम बताइए। सुनो, अपने मालिक से कहो कि अग्रवाल ज्वेलर की मालकिन उनसे मिलना चाहती है, वो भी कल के कल। और मीटिंग का टाइम तय होते ही ना तुरंत हमको फोन करके बताओ, समझी? ओके। जी थोड़ा और जोर से। अरे सोफे के नीचे सर, सोफे के नीचे। काड़ा खा उधर। मैडम हम घर सजाओ से आए, आपकी हस्बैंड ने ऐप से बुकिंग करके हमें बुलाया है, घर की साफ सफाई करते हैं हम लोग। आपका पति आपकी सेवा कर रहे हैं वेदिका जी, आपके ऑफिस का पहला दिन था, आप बहुत थक गई होंगी और घर आके कितना काम करेंगे आप, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। इसे क्या काम किया सर आपने, सब चमका दिया है आपने बिल्कुल। अभी आप जा सकते। अरे मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे इंप्रेस तो काफी हो गई होंगी आप मुझसे आज, क्यों? अरे बीवियों को कैसे खुश करना है पतियों को मुझसे सीखना चाहिए, क्योंकि चमत्कारी पति हूं। यस, क्या सोचने लग गई आप? ओ हाँ, आप ये सोच रही हैं कि कितना अच्छा बंदा है और आप कितना गलत कर रही हैं मेरे साथ, इसका प्यार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती हूं मैं? कम ऑन बेबी जी, एक्सेप्ट कर भी लीजिए मेरा प्यार। आप माने या ना माने, पर आपकी खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है। प्रेग्नेंट हो तुम? मिस्टर जी प्लीज, आप किसी को मत बताना, खास करके मेरी फैमिली को तो बिल्कुल नहीं, प्लीज। पर ये तो अच्छी खबर है, तुम्हारी फैमिली ये बात जानकर बहुत खुश होगी। अगर लड़की हुई तो नहीं, दीपक जी नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो। आप सुन रही ना बीबी जी, ऑफिस से फोन आया होगा, कितनी स्पेशल पत्नी है मेरी। खाना हेलो वेदिका जी। हाँ गौरी बता। वेदिका जी, दीपक जी मुझे किसी डॉक्टर के पास ले आए हैं ये पता करवाने के लिए कि मेरा लड़का होगा या लड़की। अरे दीपक ऐसा नहीं कर सकता, तुम बड़ी अम्मा से क्यों बात नहीं कर रही? आप दीपक जी को नहीं जानती वेदिका जी, अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा ना तो बात इस तरह से घुमाएंगी कि अम्मा मुझे ही दोष देंगी। मेरे बच्चे की जान खतरे में वेदिका जी, आप ही बचा सकती है इसे। हाँ हाँ मैं पहुँचती हूँ, तुम्हारा क्लिनिक का एड्रेस तो मुझे। वो मॉल रोड कानपुर टैंक के पीछे वाले रास्ते पे कोई पिंकी चाइल्ड क्लिनिक है। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ वहाँ, लेकिन तुम दीपक को अपनी बातों में उलझा के रखो। थैंक यू सो मच वेदिका जी। अच्छा प्लीज आप साहिल को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा, पता नहीं क्या बवाल कर देगा। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी उसे कुछ, पर तुम चिंता मत करो गौरी, मैं दीपक को ये टेस्ट नहीं करवाने दूंगी।
होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानना हमारे देश में कानूनन जुर्म है। मैं अभी पहुंचती हूँ। तो ये है उस अंग्रेज जाति बड़ी अम्मा के घर की असलियत। खुद तो जुल्म करती है और जुल्मियों को पाल भी रखा है। तो कुछ करना ही पड़ेगा। प्लीज आप साहिल को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा और पता नहीं क्या बवाल कर देगा। वेदिका जी, वेदिका जी कहाँ चली गई? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?